को बच्चों पे गुस्सा है, बच्चों को स्कूल पे गुस्सा है, टीचर्स को बच्चों पे गुस्सा है, एडमिनिस्ट्रेशन पे गुस्सा है, शौहरों को बीवी पे गुस्सा है, बहुओं को डॉटर इन लॉ को सास पे गुस्सा है, सास को डॉटर इन लॉ, गुस्सा गुस्सा एवरीवेयर। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, बातचीत में खुश आमदीद। तो आज हम किस टॉपिक पे बात कर रहे हैं? तो आजकल जो मैं नोटिस कर रही हूँ वो सब बहुत है लोगों में, ठीक है, माओं को बच्चों पे गुस्सा है, बच्चों को स्कूल पे गुस्सा है, टीचर्स को बच्चों पे गुस्सा है, एडमिनिस्ट्रेशन पे गुस्सा है, शौहरों को बीवी पे गुस्सा है, बहुओं को डॉटर इन लॉ को सास पे गुस्सा है, सास को डॉटर इन लॉ, गुस्सा गुस्सा एवरीवेयर। तो वजह क्या है, इतना गुस्सा क्यों है हमारे अंदर, और हमें बहुत ज़रूरत है इस सवाल को पूछने की अपने आप से, दूसरों से नहीं, अपने आप से, कि मेरे गुस्से की वजह क्या है, मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है। और अगर आप यही दो सवाल अपने आप से पूछ लेंगे जब आपको गुस्सा आ रहा है, तो आपका गुस्सा अचानक से जो आपका लेवल है वो कम हो जाता है। तो ये एक गुस्सा एक इमोशन है, जैसे सारे इमोशन आप फील करते हैं, आपको थकान होती है, आपको हंसी आती है, आपको रोना आता है, आपको खुशी होती है, आपको गुस्सा आता है, एक इमोशन है, एक नेचुरल प्रोसेस है। और वो किस वजह से आ रहा है, उसकी एक वजह है। तो अगर आप अपने आप से सिर्फ अपने आप से दोहरा लें ये सवाल, जब आपको बहुत गुस्सा आ रहा है शदीद, तो मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है, बहुत बार आप रोने भी लगते हैं गुस्से में, विच इज अ गुड थिंग, क्योंकि आपका रिलीज ऑफ इमोशन हो रहा है कि ठीक है, आंसुओं के जरिए ही यू आर रिलीजिंग दैट इमोशन। और बहुत से लोग अग्रेसिव हो जाते हैं, है ना, कि वो एनर्जी बिल्डअप हो जाती है गुस्से से, तो उनमें अग्रेशन आ जाता है और आपको अपने आप पे कंट्रोल नहीं रहता और लोगों में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। सो देयर आर मेनी वेज। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहला तरीका ये कि आप अपने आप से सवाल करें कि मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है और मेरे गुस्से की वजह क्या है, एंड यू थिंक बैक। ये आप अपने आप से हर बार पूछें जितनी बार आपको गुस्सा है कि मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है, मेरे गुस्से की वजह क्या है। एंड देन स्लोली स्लोली जो कुछ एपिसोड्स होंगे, कुछ आपका अनकॉन्शियस माइंड लेके आएगा, आपको बताएगा कि आपको गुस्सा क्यों आ रहा है, क्या हुआ था, अनसॉल्व्ड इवेंट्स के कभी कभी चीज़ें होती हैं हमारी जिंदगी में जो हमें समझ में नहीं आता, या बहुत हैवी स्टफ होता है, कुछ ड्रामा होता है, कभी जिंदगी है, चीज़ें आती जाती रहती हैं, लगा रहता है, तो क्या अनसॉल्व्ड है, क्या समझ में नहीं आया हमें, क्या हम प्रोसेस नहीं कर पाए जिसकी वजह से अनरिजॉल्व्ड इमोशंस हैं हमारे अंदर जो गुस्से की शक्ल में बाहर आ रहे हैं। कभी कभी आप छोटी चीज़ों पे गुस्सा करते हो, आप चिड़चिड़े होते हो, आपका मूड सही नहीं होता है, बहुत बार उसकी वजह थकान होती है। एंड समटाइम्स देयर इज अ फिजिकल फटीग, कि आपको फिजिकली थकान है कि थोड़ा सा आप रेस्ट कर लें, ठीक हो जाएंगे, कोई मुझसे बात नहीं करे, आधा घंटा मुझे दे दो, मैं थक के आई हूँ, गिव मी 20-30 मिनट्स, आई बी फाइन। कभी कभी मेंटली थकान होती है, स्ट्रेस, एंड आई थिंक वो मेजर वजह है आजकल इतना गुस्सा लोगों में, कि आप मेंटली थके हुए लोग हैं, फिजिकली इतने नहीं है, बैठे हैं आप, इतना स्टिमुलेशन हो रहा है स्क्रॉल कर कर ये कर करके, आपका दिमाग थक रहा है देख देख के, आप इतना इन्फॉर्मेशन ओवरलोड कर रहे हो अपने सिस्टम को कि वो प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा है कि ये देखूँ, 10 सेकंड में सब कुछ चेंज हो रहा है। सोचो आप कितना एनर्जी फोकस ट्रेंड जा रहा है आपका दिमाग का उस स्क्रोल पे, और हम नहीं सोचते हैं और हमारा दिमाग थक जाता है, तो वो कैसे अनवाइंड हो। आप किसी सुकून वाली जगह पे बैठिए, सोशल मीडिया से ब्रेक लीजिए, फोन से ब्रेक लीजिए, ऑल दीज ऑनलाइन गैजेट थिंग्स, उनसे आप थोड़ा थोड़ा ब्रेक लीजिए कुछ घंटों का दिन में। आप वॉक पे जाइए, नेचर में बैठिए, चिड़ियों की आवाज़ें, पानी की आवाज़ें, जो भी नेचुरल वॉइसेस हैं उनमें, जहाँ पार्क हो, कहीं भी जो सुकून की जगह हो। और अगर कुछ नहीं है आपके आसपास, तो यूट्यूब पे देयर आर मेडिटेशन वीडियो जिसमें सारी साउंड्स होती हैं, वाटरफॉल एंड बर्ड्स टू काम यू डाउन, टू डी स्ट्रेस वाले जो होते हैं, वो सुन सकते हैं म्यूजिक, तो उसमें वो सब रिकॉर्डेड है जो आपको डी स्ट्रेस करेगा आपकी बॉडी को, यू आर एट पीस। क्योंकि जो इतना नॉइज है, जो साउंड पोल्यूशन है, नॉइज है, उससे भी आपका ब्लड प्रेशराइज होता है, आपको ऑटोमेटिकली फिर गुस्सा आता है, आपका दिमाग थक जाता है, आपका दिमाग जब थक जाता है तो आपको बहुत गुस्सा आता है छोटी छोटी सी बात पे। तो ये दो तीन चीजें हैं। और अगर हम इसको इस्लामिक पर्सपेक्टिव से देखें, अगर हम हदीस देखें अपनी, तो हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि जब आपको गुस्सा आए, अगर आप खड़े हों तो आप बैठ जाएं, बैठ जाए हुआ तब भी नहीं कम हो रहा हो तो ले जाए, पानी पिए, दरूद शरीफ पढ़ें।
तो उस सबसे क्या होता है सिस्टम में, आप अपना फिजियोलॉजी चेंज करें। साइकोलॉजी के हिसाब से अगर आप अपनी फिजियोलॉजी चेंज करें, खड़े से बैठ जाएं, बैठ से जो भी आपका पोस्चर है वो आप चेंज कर दें फर्स्ट ऑफ ऑल, उससे आपके गुस्से पे, आपके इमोशन, आपके जो मेंटल उस वक्त स्टेट है उस पर फर्क पड़ता है। दूसरा, अगर आप एनवायरमेंट चेंज कर दें, जैसे अगर आप घर में कमरे में हैं तो दूसरे कमरे में चले जाएं, बालकनी में चले जाएं, वॉक पे चले जाएं, आपका एकदम से एनवायरमेंट चेंज होता है। आपका फर्स्ट ऑफ ऑल फिजिकल फिजियोलॉजिकल चेंज हो गया, एनवायरमेंट चेंज हो गया। और अगर आपने अपनी ब्रीदिंग पे फोकस करा, यू नो डीप ब्रीदिंग कर रही हूँ मैं, अपनी ब्रीदिंग को नोटिस कर रही हूँ, या फिर आप दरूद शरीफ पढ़ लें, यू नो, तो आपका फोकस चेंज हो गया। तो इस सब से आपका गुस्सा, यू नो, गायब हो जाता है कि आप उस जो स्टेट में है उससे आप बाहर आ जाते हैं। और वही हमें करना है, यू नो, कि जो भी, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अपने आप से पूछना है कि हमारे गुस्से की वजह क्या है, तो वो अनकॉन्शियस माइंड फाइंड आउट करेगा कि क्या है, क्यों मुझे गुस्सा आ रहा है। दूसरा, जब अगर आप गुस्से के स्टेट में हैं तो हम क्या कर सकते हैं, हम अपना फिजियोलॉजी चेंज कर सकते हैं और हम अपना फोकस चेंज कर सकते हैं, एनवायरमेंट चेंज कर सकते हैं, है ना। और हमें रीजन फाइंड आउट करनी है कि क्या हमारा सोशल मीडिया स्टिमुलेशन बहुत ज्यादा है, हमारा वर्क स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, या फिजिकल स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, क्या वजह है जो हमें इतना गुस्सा आ रहा है। मदर स्पेशली आई थिंक दे आर वेरी टायर्ड फिजिकली। दूसरा, मेंटली स्ट्रेस, यू नो, बच्चों का इतना स्टिमुलेशन हो जाता है कि कोई कुछ मांग रहा है, कोई कुछ कह रहा है, काम है, ये है, वर्जन चलो, एंड दे आर मल्टीपल थिंग्स ओपन, इट्स वेरी नेचुरल टू गेट फ्रस्ट्रेटेड एंग्री, एंड यू नीड समथिंग डिस्ट्रेसिंग, कुछ डिस्ट्रेसिंग आपको चाहिए एक्टिविटी जिससे यू नो यू फील बेटर। वट एवर, फाइंड इट फॉर योर सेल्फ और लेट मी नो, आई मेक अनदर वीडियो, तो मैं एक और वीडियो बता सकती हूँ जिसमें हम डिस्ट्रेस कर सकते हैं, कैसे हम अपने आप को, यू नो, टू कीप अवे ऑल दैट स्ट्रेस। टेक केयर, विल टॉक मोर, और इफ यू हैव मोर क्वेश्चन, के और आपके पास सवाल हैं, क्वेरीज हैं कि हम क्या करें, कैसे कैसे गुस्सा आता है, किन सिचुएशंस में आता है, तो आई कैन हेल्प यू आउट विद आंसरिंग ऑन यूट्यूब, ऑन माई चैनल, और या फिर आई मेक अनदर वीडियो फॉर द आंसर्स। तो बिल्कुल ध्यान रखिए अपना, फिर दूसरी वीडियो के साथ, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।